Hey guys, welcome to our YouTube channel, Fit Couple Lifestyle. मैं हूं नमन कादियान. मैं हूं पंकज रावत. आज हम आपको दिखाएंगे हमारे वर्कआउट. आज है 29 और मेरा कंपटीशन है 10 को, तो मेरी है थोड़ी सी एनर्जी लो. तो बट स्टिल हम आपको दिखाएंगे इनका बैक वर्कआउट और मेरा आज है लेग्स. तो डिटेल्ड में दिखाने वाले हैं इस व्लॉग के अंदर एक्सरसाइजेस, सेट्स, रेप, सब कुछ. और ये कैसे इतने कम एनर्जी, कम कैलोरीज के साथ भी मैनेज कर रहे हैं. मतलब 10 से 12 दिन रह गए हैं मेरे कंपटीशन को, तो आपको दिखाएंगे 10 से 12 दिन कंपटीशन से पहले कैसे वर्कआउट होगा, क्या एक्सरसाइज मैं करूँगा. उसके बाद पोजिंग रूटीन भी करेंगे, थोड़ी पोजिंग प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े से शूट्स हैं मैडम के, तो वो सब करके आपको आज सारा ब्लॉग डाल के दिखाते हैं. लेट्स गो. तो जी, मैडम का पहले है लेग सेशन और मेरा है बैक वर्कआउट. मैम ने कर दिया वार्म अप शुरू. मैं करूंगा वार्म अप स्ट्रेट आर्म पे, जो कि मेरी पहली एक्सरसाइज होने वाली है. तो ये वार्म अप था, दो सेट वार्म अप, उसके बाद एक्सरसाइज के 4 सेट. देखते हैं कादियान साहब क्या कर रहे हैं. वो हेलो कर लो, घूम रहे हो तब से. 2 मिनट्स रेस्ट, जल्दी करो. खाना नहीं खाए होगा. 12 से कुछ नहीं होगा. फैट लॉस करना तो 50 रेप. नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे रिवर्स डिप लैट पुल डाउन. करनी है गेम ये है कि लो कैलरीज पर मसल गेन तो होगा, तो कैलरीज एक्सपेंडिचर की गेम है इस टाइम पे. क्योंकि जैसे मैंने बताया 12 से 13 दिन रह गए, तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ कैलरीज बर्न करने पे ध्यान देंगे. मसल गेन आप हाई रेप कर रहे हो और गोल भी नहीं है. तो करते हैं कादियान साहब की सेकंड एक्सरसाइज. शाबाश शाबाश, जाटों का नाम रोशन करना है. दो एक्सरसाइज हो चुकी हैं, दूसरी चल रही है और दो एक्सरसाइज के बाद धजियां उड़ चुकी हैं. हमारी धजियां उड़ चुकी हैं, ये खा पी रहे, ऐश कर रहे हैं. चलो तो थर्ड एक्सरसाइज पुल ओवर करते हैं डंबल्स के साथ. बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हो सारा आज लैट्स फोकस है, कुछ कुछ भी नहीं है. लैट्स ग्रो करने वाली फाइट है, लेट लैट्स 09. ये आप फॉर्म देख रहे हो. बेसिकली इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आपको सारी फॉर्म्स पता लगे और आपको पता लगे कि जो मेरा वर्कआउट है तो मैं प्रेप पे कर रहा हूँ. सिर्फ 10 दिन आऊंगा तो वो क्या है, कैसा है, कितने रेप्स है, सब कुछ फॉर्म भी देखते रहना. तो बहुत लोगों का डाउट रहता है कि चेस्ट की एक्सरसाइज है या बैक की. बेसिकली जो आपकी चेस्ट की एक्टिवेशन है, जो आपकी चेस्ट की फाइबर्स ऐसे रन करते हैं, मैंने ऐसे कंट्रैक्ट, अगर आप ऐसे कंट्रैक्ट कर रहे हो तो चेस्ट एक्टिवेशन हुई है. अभी मेरी मूवमेंट जो थी वो ये थी, तो इसमें चेस्ट की कॉन्ट्रैक्शन जो यहाँ से यहाँ की होनी चाहिए अंदर को, वो नहीं है. तो ये बैक की एक्सरसाइज, ठीक है, याद रखना. जब कोई देसी ट्रेनर बोले ना कि ये चेस्ट है, तो उसको बताना कि कॉन्ट्रैक्शन चेस्ट की हमेशा ऐसे होती है अंदर को, दिस वे, ना कि दिस वे. ऐसे कोई चेस्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये बैक की एक्सरसाइज है. करके दिखाओ हमारे दर्शकों को सीटेड लेग कर्ल्स. कैसा महसूस हो रहा है? खुल नहीं रहा, बस हैमस्ट्रिंग से कैसे जान निकलती भाई. नहीं करनी भाई. चौथी एक्सरसाइज वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, और ये भी
सेम रहेगा, 4 से 15, 12 से 15 मतलब जितनी चाल लगी। चलो करो स्टार्ट। आप वेट उठा के ट्राई करोगे कि 15 दोबारा आ जाए। आ जाइए, आ जाएंगे। चलो देख लिया, देख लिया, तेरा भी दिख रहा है। डालो ये ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा। तो मेरी लैट पुल डाउन हो गई है, इसके बाद मैं करूँगा हाइपर एक्सटेंशन, वो बहुत ही बेसिक है, वो सबको पता होगा। और कादियन साहब कर रहे हैं, उनकी शक्ल से पता लग रहा है कि कितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तुम्हारा क्या इसके बाद? इसके बाद हमारी हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ग्लूट्स। तो जो मैंने हाइपर एक्सटेंशन की थी वो थी मेरी लोअर बैक के लिए, जो नमन कर रही है वो है ग्लूट्स के लिए। तो आपको देख के भी शायद थोड़ा फ़र्क पता लग रहा होगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। वो अपनी बैक जो है वो आग की रख रही है, उसको ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं कर रही है जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये कर रही है ग्लूट्स के लिए, और जो मैं कर रहा था वो थी लोअर बैक के लिए। अपना बैक का वर्कआउट हो चुका है समाप्त, हाइपरटेंशन वाली क्लास थी। अब इसके बाद जो करना है वो है बाइसेप्स का वर्कआउट, जिसमें हम करेंगे स्ट्रेट वर्क बाइसेप पर, इंक्लाइन पे हैमर कर्ल और कंसंट्रेशन कर्ल्स। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं बिकॉज 9 बज गए, इसके बाद आधा घंटा कार्डियो भी करना है। तो देखो एक्सरसाइज। चलो चलो अब आपको दिखाते हैं कि कादियन साहब क्या कर रहे हैं। कादियन साहब हाउ इज द जोश? ये कैसा जोश था, अंगूठा दिखा दिया। तो जी क्या एक्सरसाइज का नाम क्या है इसका? तो मैडम कर रहे हैं सिंगल लेग हिप थ्रस्ट। लेट्स डू इट। हो गए हैं वर्कआउट्स डन, अब इनको करनी है अपनी पोजिंग रूटीन की प्रैक्टिस एंड कार्डियो। तो करते हैं अब पोजिंग रूटीन की प्रैक्टिस, बहुत लेट हो रहा है पर जल्दी से करते हैं बिकॉज मेरा कार्डियो भी पड़ा और मैडम ने जाना घर। तो और जिम हो जाएगा 10 बजे बंद, जिम हो जाएगा 10 बजे बंद। तो जल्दी जल्दी पोजिंग देख लो, मैडम चेक कर रही है कि कैसे पोजिंग हो रही है, ठीक हो रही है कि नहीं। चलो देख, जैसे ये स्टैंडिंग थोड़ा वीक आता था, इसमें लैट्स पे करना है और थोड़ा स्प्रेड। हाँ अब परफेक्ट आ रहा है, ऐसे तुमने वो हाथ रखे हैं ना तो वेस्ट पे थोड़ा और नैरो इफेक्ट आ रहा है। ये वाला साइड पोज तो चलो आपका है ही सबसे बेस्ट। सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।